हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे भाई। ये टॉप आरपी प्लेयर का आप लोग नाम याद रखिएगा, आरजी एंग्री ओपी। मैं नहीं पाया पहाड़ों पे यहाँ यार, पे हम भाई आज जॉर्ज जो पूल आते हैं और देखते हैं कि हमारे एक क्लोज ही एक बंदा कूदा है। बिल्कुल चल जाओ ऊपर साथ यार, लेके। मुझे पिस्टल मिलती है और देखिए मैं इसके साथ क्या करता हूँ। भाई मैं ऑल पे कट करके गया इससे पूछता हूँ क्यों भाई आ गया स्वाद। मार दिया इसका दूसरे भाई, बंदे की हमें लोकेशन नहीं पता थी, मगर बाद में फिर पता लग गया था कि वो आगे वेयर हाउस में है। और तो मैं पहले पीछे जाके पहले गन उठा के लेके आता हूँ, यहाँ पे यार मुझे तू गन उठा दिखती ले है एक। सामने पड़ी है, देख पहले देख लियो देखी। हाँ मुझे साथ ही साथ ये भी डर लग रहा था कि वो मुझे ना मारे, इसके मारे में लेट गया था फौरन और लेट के ही वापस नीचे कूदा था। अब मैं जैसे ही सोचता हूँ कि इससे लेफ्ट में पुश कर दें तो ये मुझे दिखता है। एक मिनट, एक सेकंड बस, एक सेकंड ना, मैं बोलो उठा लाया देख लियो। यहाँ मैं इसे डैमेज देता हूँ मगर मैं इसे नॉक नहीं कर पाता हूँ। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको पुश करेंगे। शायद से उसी का टीममेट होगा जिससे पहले मारा। ऊपर चढ़ना है, हम जैसे ही यहाँ ऊपर चढ़ते हैं तो मुझे साउंड आता है कि ये बंदा वेयरहाउस में जा चुका है। हम इसका पीछा भी करते हैं सामने और मैं होगा, राइट पीछे में एम लेके चल रहा हूँ ताकि ये निकले तो मैं इसे फौरन नॉक कर दूँ। भाग रहा है फिर मुझे कॉल आती है कि ये पीछे भागा है। तेरे से, पीछे ये आगे देखिए इसकी बताओ तू हरकत, क्या पीछे रहे तू। ये रहा क्या कर रहा है। इसके बंदे इसके मुंह पे हैं दो और नाम पढ़िए भाई प्लेन इसका, पे, नाम था इसका आर जी एंग्री ओपी। एम्प्रोडा बहुत शायद सस्ते से हेडफोन से था। खेल रहा था ये जरूर। फिर यहाँ पे मैं दो बॉट मारता हूँ, मैं देखता हूँ कि थ्री वेयरहाउस की तरफ मुझे बंदा दिखा है। मैं सीधे पहले कवर पकड़ता हूँ और उस पर पुश करने की कॉल दे देता हूँ। मगर इससे पुश से पहले ही हमारे साथ एक क्या हो स्कैम रहा हो है जाता है, वो देखिए आप। ओए, कहां का प्लेट होगा ये रहा। भाई वॉच आउट, यहीं घासों में पड़ा है। यहाँ एम्प्रो मैं इसे कैसा नॉक होता, करता हूँ और एम्प्रो अपने ऊपर से टीममेट से गन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं थी ज़्यादा। हील कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे हमारे टीममेट हील वील करते हैं, फिर हमें उस पे जाता थ्री हूँ जाके वेयरहाउस वाले पे भी पुश करना था। यही था क्या एक बंदा। यहाँ से अब सीधे हम थ्री वेयरहाउस वाले पुश कर देते हैं। भाई इस बंदे की मूवमेंट देखिएगा एक बार आप। बिल्कुल पहले वाले में अगर मैं भी एक अच्छी मूवमेंट नहीं देता तो मैं यहाँ बच नहीं सकता था। वेल प्लेड ब्रो, वेल प्लेड। तो फर्स्ट एड भी ना, यहाँ पे हमें इसका दूसरा बंदा नहीं मिलता, फिर हम यहाँ से बग्गी लेके निकल जाते हैं गैरेज की तरफ। मगर गैरेज में भी गाड़ी नहीं होती तो फिर हम ये टू सीटर लेके निकलते हैं। मुझे इसका नाम ढंग से पता नहीं है क्या है। चल तू लेफ्ट देख, गाड़ी लेके हम आ निकलते गया हैं मैं ये कि, तो पीछे हमें यहाँ पे घर पे एक डासिया दिखती है पीछे 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 जो पीछे पीछे कि हम इसकी डासिया लेके निकल पीछे जाते हैं पीछे क्योंकि ये पीछे कैंपर होंगे, पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। हम यहाँ पे आते हैं सीधे आके पीछे से हम इसे ब्लॉक करते हैं क्योंकि तो उधर से बंदे आने की चांसेस थे। मैं गाड़ी बिल्कुल यहाँ पीछे रोकता हूँ मुझे लगा था। और आगे डम्मी पे जाके लेट जाता हूँ। बोर्ड जाती है नीचे से, नीचे यहाँ पे मुझे कॉल आती है कि नीचे नीचे बोट आ गई, मगर मुझे साउंड यूएस के आ चुके थे। यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे मैं इनकी नीचे तरफ बोर्ड जीने होगा से शायद। बढ़ता हूँ मगर इन लोग का ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं। भाई जैसे ही मरते हैं एक दूसरा नॉक, दूसरा दूसरा फिनिश, ख़त्म भाई। मैं फिर से जाके वहीं लेट जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बॉट दिखता है तो मैं कंफ्यूज था कहीं ये बंदा तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश कर से करके जैसे ही दोबारा कवर लेता हूँ तो मुझे सामने एक और बॉट दिखता है, उसे भी मैं फिनिश कर देता हूँ।
Watch out. फिर मुझे कॉल आती है कि पीछे, फिर बिना मुझे देखे कॉल बंदे आती से है तू बात करता कि है। पानी में बंदा है, जो कि मैं ऐसे टीपी भी लेके देखता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा होता। वो दोबारा एनिमी में टीममेट देते हैं जब मुझे दिखता है, Watch out. मगर ये एक बॉट था जिसको कि मैंने फिनिश कर मार दे दिया। और कोई दूसरा। इसको मैंने जैसे ही फिनिश करा तो मुझे कॉल आई कि मुझे पीछे लगा बग्गी आ कि चुकी है। मगर भाई देखिए मेरे हाथ से कैसे ही मेरा खेल गया है। उस बंदे को मैंने दो हेड दिए मगर वो फिर कुछ नहीं। अबे फ्लैट चला दी 215 रुपए की चीज़ है। यहाँ पे जोन भी आ जाता बंदे है तो और अंदर कहाँ है कोई तेरे नहीं बंदे आता, तो तो फिर हमें मेरे चले। टीममेट को एक फ्लेयर दिखती है। अबे ये अपने पास ही करी है री। मार्क्ड एन एयर ड्रॉप। हम सीधे इस फ्लेयर पे जाते हैं। पता नहीं यार जल्दी बताओ कैसे चलना अपनी डाल जाते। हम यहाँ से इन एनिमीज की कार लेके यहाँ से निकलते हैं और सीधे जाके हाई ग्राउंड पर रोक लेते हैं। आगे कंपाउंड में डरा दिया। जैसे ही मैं यहाँ के टीपी भी लेता हूँ तो मुझे ड्रॉप तो दिख जाता है लेकिन बंदा नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद मुझे बंदा भी दिख जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ये स्मोक नहीं किया इसने। स्मोक के बिना लूटोगे तो लूट जाओगे, स्मोक किए बगैर ये बाहर आया और हमने इसे जा रहा मैच हूँ से मैं बाहर तेरे कर दिया। सीधे फिर पास। हमने इन पे पुश कर दिया राइट क्योंकि राइट हमें पता था दूसरा बंदा भी तेरे आस को पास मिला ही होगा। दूसरा तेरे को मिला। बंदा गुस्से में आ जाता है, उसने बहुत तगड़ा स्प्रे दिया, वो बात अलग है, हम डैमेज नहीं हुए इसको। फिर मैंने घुस के मार दिया, दे जिगल दे। यहाँ पे हील वील करके और मैं इसके ड्रॉप से डब्ल्यू एम लेके डेटेक्स के साथ पड़ी हो यहाँ इसमें। से हम निकल जाते, क्योंकि हम पे जोन नहीं था। सीधे हम जोन में निकलते हैं। पन्ने भाई फोड़ो अगर मैच में बंदा जरा भी फ्लैट मजा आ रहा हो टूटी। तो वीडियो लाइक कर दिएगा। हमारा लाइक एम है 50, 50 लाइक्स भाई जाने करवा यार मैं दिएगा। कहाँ चला था। मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ। यहाँ पे आके ऑटो भाई चाहिए जोन में हमारे मैं इस घर स्पॉट पे पे। रुकता हूँ। बैठ के जहाँ तक व्यू मिल रहा मैं देख रहा हूँ व्यू तक। चढ़ जा भाई चढ़ जा। तेरे पास नाइट। एक बंदा है ना छोटी चक्का बताऊँ ये क्रॉस कर रहा है। एक रोड जाने फिर से मुझे यहाँ पे कॉल आती है कि नीचे बंदा है, इधर आके हमारे देख घर में इसे। आ रहा है। इस घर में गया। मैं जब Watch तक मैं आता हूँ वो घर में जा चुका होता है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसका इंतज़ार भी करता हूँ, मगर ये पता नहीं किस बीच थोड़ा आगे निकल वो भाग जाता के है। बंद कर देता है स्पोर्ट यहाँ से। से पेड़ वेड़ दिख पेड़ वेड़ आ रहे थे तो सीधे मैं दोबारा हाई ग्राउंड लेता हूँ, मैं टू स्टोरी पे चढ़ जाता हूँ। इस बंदे को देखिए भाई कितना बुरा मरता है भाई, दोनों ही कातिल मरना। भाई का कत्ल हो गया। इसका भी नाम आ रहा है जी फील्ड में बहुत देर से। कातिल कातिल कातिल। अब यहां से मैं थोड़ी देर स्काउट करता हूँ और इधर उधर देखता हूँ। जैसे ही हम निकलने की सोच रहे होते तो पीछे से एक स्नाइपर का शॉट चलता है। पता नहीं है और पड़ी पीछे से नीचे। मैं सोच ही रहा था कि इसे मारूं मगर ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ लेटा हुआ था। घर में आ जाऊं मैं। मैंने ऊपर जाके भी कैंसिल देख कर देता लिया दोनों मगर ये का मुझे यार। दिख ही इसमें नहीं पैसे रहा नहीं था। होते यार। इधर ड्रिंक लगा रहा फिर हम हूँ। डिसाइड करते हैं कि हम गाड़ी पे स्मोक करके निकलेंगे, सिर्फ 30 सेकंड है, जोन ऊपर बहुत खाएगा। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी से स्मोक एक करो ही और था। यहाँ से निकलना है वरना हम लोग मैच से निकल जाएंगे। बैठूं स्मोक बहुत ज़रूरी है भाई, मगर सिर्फ पबजी में, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में तो जान ले लेगा तुम्हारी। यहाँ से गाड़ी उठा के मैं सीधा लेफ्ट से जोन में लगाता हूँ। मुझे कुछ आइडिया था कि हाँ राइट में ऊपर बंदे हैं, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और उस बंदे को देखता हूँ जो पीछे था। भाई अगर अब ये आप स्प्रे देखिए, अगर ये स्प्रे पसंद आए तो भाई लाइक हो जाना चाहिए भाई। भाई 50 लाइक का एम है, करवा दीजिएगा। टू भी टू है।
अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ और ये फ्राई पैन भी फेंक देता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो ये देखिए नशे, ये देखिए भाई कहाँ से आते हैं ये लोग। भाई हेडफोन यूज़ किया करो भाई, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बच रहा होता तो हम स्ट्रेटजी अपनाते। मैं अपने बंदे को बोलता हूँ भाई जल्दी से गाड़ी घुमाओ ताकि उसका ध्यान मेरे बंदे पे ज़्यादा रहे, मुझ पे नहीं। मगर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ होता नहीं है। भाई मैं ओवरटेक तो तो नहीं सांप था बन के भाई, सीधे आगे चलता रहा चलता रहा। जोन में पहुंच गया। जोन में आ जाओ। ये देखिए यहाँ कोई बंदा नहीं दिख रहा भाई, एक तो ना जाने कैसे सांप बनते हैं ये लोग, कोई दिखता ही नहीं है, सीधे पेटी चलो बन कैंटीन जाती में है रुको भाई। बेटा। ये देखिए वो तो मैं आगे थोड़ा सा भागा तो मैं कवर में पहुंच गया, वरना ये मेरी पेट ही डाल देता। अगर मैं उठ के नहीं भागता तो मैं अभी मैच से बाहर हो चुका होता। यहाँ पे मुझे रिवाइव मिलता है, मार दूं ये देखिए ये हमें खिसकता हुआ दिख गया है ये बंदा, और यहाँ ये हम पे मॉली खोलता है, मेरे टीममेट इसकी खोपड़ी खोल देता है। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और 50 लाइक्स का वही तो एम है कह भाई रहा हूँ करवा यार। दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।